सब्सक्राइब करिए लाइब्रेरी इन्फोनेट और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए। दोस्तों डिटेल में बात करेंगे लाइब्रेरी की न्यू वैकेंसी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश, आप देख रहे हैं लाइब्रेरी इन्फोनेट। नाउ लेट स्टार्ट। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में बेस्ट वैकेंसी लेकर जो आई हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अगर वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट है du.ac.in। जैसे गूगल करेंगे कुछ इस तरीके वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं फुल डिटेल में बात करूंगा आपको किस टाइप से फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेबसाइट के नीचे आएंगे तो आपको शो हो जाएगा जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे आपको न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे आना है अदर एडवर्टाइजमेंट, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग ऑन परमानेंट पोजीशन। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको न्यू पेज ओपन होंगे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट जो 30 जनवरी 2020 को अपलोड किया गया है। यहाँ पर PDF का एक लिंक दिया है, जो क्लिक हियर टू रीड कंप्लीट डॉक्यूमेंट। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू PDF ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके का शो होगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। ये जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन आपको फिल करना है नॉन टीचिंग पोजिशन के लिए, जो कि परमानेंट बेसिस में। तो यहाँ पर टू वैकेंसी आई है। फर्स्ट में सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी, पे लेवल 6 है एंड 1,12,400। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, 1 है, अनरिजर्व 1 वैकेंसी है एंड अपर एज है 35 ईयर्स। सेकेंड जो वैकेंसी आई MTS लाइब्रेरी लेवल 1, 18,000 to 56,900 है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है एंड 1 वैकेंसी अनरिजर्व एंड 1 वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। पर एज की बात करें 27 ईयर्स है, आप यहां पर से देख सकते हैं। कैंडिडेट कॉलेज ऑफिस में जाके वर्किंग डेज में एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एंड देन आप सेकंड में आप देखिएगा, आप कैंडिडेट को यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है dsce.du.ac.in। इस वेबसाइट में जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपको बैंक टॉप 250 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व एंड OBC कैंडिडेट के लिए एंड आपको 100 रुपीज़ फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग रिजर्व कैटेगरी SC ST। आपको जो DD बनवानी है द प्रिंसिपल दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज के नाम से आपको बनवानी होगी, जो उसका पेमेंट आपका न्यू दिल्ली में होगा। आपको अटैचमेंट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग PWD कैटेगरी एंड वोमेन कैंडिडेट एग्जम्प्टेड द पेमेंट एप्लीकेशन फी। आपको यहाँ पर जो PWD एंड वोमेन कैंडिडेट हैं उनको आप फीस नहीं सबमिट करना होगा। द रिलैक्सेशन इन एस कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST OBC PWD एंड जो कैंडिडेट है यूनिवर्सिटी के रूल्स के अनुसार यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अप्लीकेशन अदर देन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इनकम्प्लीट अप्लीकेशन एंड अनसाइंड अप्लीकेशन, अप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब्ड फी, अप्लीकेशन विदाउट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल, अप्लीकेशन रिसीविंग आफ्टर द लास्ट डेट पोस्ट कोरियर विल बी रिजेक्टेड विदाउट फर्दर रेफरेंस। आपको कैंडिडेट को कोई भी ऐसा अपना जो अप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं करनी होगी जिससे आपको वहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। आपको यहाँ पर अगर कैंडिडेट मोर देन वन जो आपका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उन्हें सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और सेपरेट उनकी फ़ी सबमिट करनी होगी। इसमें कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। एंड देन जो आपको एप्लीकेशन फीस एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस आपको सबमिट करना होगा। अब जो आपका लास्ट डेट है, आपको जो पब्लिश हुआ है एडवर्टाइजमेंट उसके 21 दिन तक आपको सबमिट करना होगा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें जो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन आर्ट साइंस कॉमर्स और एनी अदर डिसिप्लिन और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन विथ 50 मार्क्स एंड बी लिप साइंस एंड बी लिप्स विथ 50 मार्क्स एंड कोर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एट ग्रेजुएट ऑफ PG लेवल और 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन मैच करती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड में जो वैकेंसी आई है MTS लाइब्रेरी के एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट में आप देख लीजिए 10th पास होना चाहिए आपको यहाँ पर एंड आपको सेकंड में सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से एंड डिजायरेबल यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर एस आ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल या बेसिक कोर्स ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका अगर क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्कीम फॉर एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट
टू द पोस्ट ऑफ सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। आपको जो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए पोस्ट है उसमें जो एग्जामिनेशन दिया गया है, जो रिटन टेस्ट होगा, इसमें लाइब्रेरी एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस CTC आपको 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें MCQ क्वेश्चन होंगे 2 आवर का होगा एंड मैक्सिमम नंबर 300 मार्क्स के हैं एंड 150 क्वेश्चन हो गए। एंड आपको सेकेंड पेपर जो कि लाइब्रेरी ऑपरेशन ETC है, यहाँ पर आपको 3 आवर्स का होगा, इसमें मैक्सिमम मार्क 150 है एंड आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर 450 है। फर्स्ट पेपर में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए, लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स एंड एबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। आपको यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन है एंड आपको 300 मार्क्स हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। सेकंड पेपर में आप थोड़ा सा डिटेल्स में आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो पेपर से आपको दिया है, लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड आपको रीजनल एबिलिटी, मैथमेटिक्स है एंड आपको जो टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आपको यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सेकंड पेपर में की हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि MCQ क्वेश्चन होगा, सेक्शन फर्स्ट में आपको 100 मार्क्स का होगा एंड आपको सेक्शन टू में आपको डिस्क्रिप्शन होगा जिसमें आपको 50 मार्क्स का होगा, जो जिसमें 5 क्वेश्चन होगा। आपको यहाँ पर टॉपिक से दिया हुआ नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइन एंड प्रोसीजर रूल रेगुलेशन एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विथ स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज एंड वर्ड प्रोसेस डाटा एनालिसिस पैकेज। आपको यहाँ पर डिटेल्स दिया है थोड़ा सा, जो क्वेश्चन पेपर टाइप से होगा बायलिंगुअल होगा। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में आपको 45% होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एंड 40% आपको OBC कैटेगरी के लिए एंड 35 फॉर SC ST PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया गया है। 4 नंबर में आप देख लीजिए, स्कीम फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट थ्रू द पोस्ट ऑफ MTS लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से सेकंड वैकेंसी आई उसके लिए यहाँ पर स्कीम दिया हुआ है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो MCQ क्वेश्चन टाइप के होंगे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 है एंड 3 आवर्स है एंड 300 मार्क्स है। यहाँ पर आपको सिलेबस दिया हुआ है, आप यहाँ पर से स्कीम से दी हुई है लाइब्रेरी एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एबिलिटी, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, आपको टोटल 150 क्वेश्चन एंड 300 मार्क्स है। आपको यहाँ पर डिटेल्स दिया है सिलेबस में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरी एप्टीट्यूड का सिलेबस, आपको जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया हुआ, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज का सिलेबस दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो पेपर होगा आपका बायलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। मिनिमम ओवरऑल क्वालिफिकेशन के लिए आपको 45 मार्क्स होना चाहिए जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एंड 40% मार्क्स OBC एंड 35% आपको SC ST PWD कैंडिडेट के लिए होना चाहिए एंड आपको इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क निगेटिव मार्किंग है अगर रॉन्ग क्वेश्चन पे, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। जो मेरिट लिस्ट बनेगी क्वालिफाइंग की, तो ओनली आपको रिटन टेस्ट में बनेगी, आप यहाँ पर से मेंशन हुआ है 6 नंबर में, आप देख सकते हैं। एंड आप यहाँ पर से डिटेल्स के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको यहाँ पर सबसे नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए लीजिएगा एंड आपको यहाँ पर सबसे टॉप में आपको मेंशन करना होगा अप्लाइड पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड एप्लीकेशन नंबर, बैंक ड्राफ्ट एंड डेट आपको मेंशन करना होगा एंड आपको बैंक नेम आपको मेंशन करना होगा एंड आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना होगा एंड सेल्फ अटेस्ट करना होगा। देन आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक लेटर में नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड आपको लास्ट डेट में आपकी एस मेंशन करना होगा, कैटेगरी मेंशन करनी होगी ST SC OBC PWD एंड आपको यहाँ पर नीचे आएंगे आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड परमानेंट एड्रेस एंड आपको यहाँ पर सेक्स, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस एंड आपको क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड आपको लैंग्वेज आपको मेंशन करना होगा आपको लैंग्वेज कैसा है एंड आपको यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर प्रेफरेंस है तो वो मेंशन करना होगा एंड अदर डिटेल्स देना चाहते हैं आप यहाँ पर 40 नंबर में मेंशन कर सकते हैं। 50 नंबर में आपको किन्हीं 2 व्यक्तियों का रेफरेंस देना होगा जिसमें नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर आपको मेंशन करना होगा। 60 नंबर में एक्स्ट्रा करिकुलम है यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा एंड आपको यहाँ पर प्लेस डेट्स करने के बाद आपको सिग्नेचर करना होगा एंड आपको इसको सेंड करना होगा।
यहाँ पर तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर आप एक बार रीड कर लीजिएगा तो बेनिफिट होगा आपको। यहाँ पर सबसे आपको जो एड्रेस दिया हुआ है, आपको किस टाइप से फॉर्म फिलअप करना है, तो सबसे पहले आपको जो आप कंटेन करेंगे इनवॉल्प्स कंटेनर है उसके टॉप में लिखना होगा अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं नेम ऑफ पोस्ट करना होगा। देन आपको जो आपका DD बनेगा प्रिंसिपल दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज जो कि फेवर दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में। एंड आपको एड्रेस दिया हुआ द प्रिंसिपल दयाल कॉलेज इवनिंग लोधी रोड न्यू दिल्ली 11003, आप यहां पर से देख लीजिएगा। अप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको दो सेल्फ एड्रेस से इनवॉल्प से अटैच करने होगा, जिसमें 10 रुपीज़ का पोस्टल स्टाम्प लगाना होगा, जिसमें आपको उसमें डॉक्यूमेंट के साथ में आपको सेंड करना होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।